नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पिछले दो तीन दिनों से हो रही बारिश ने चैबासा में तबाही मचा रखी है। शहर के निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है और कई जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देखिए रिपोर्ट। लगातार कई दिनों तक ज्यादा बारिश होने से चैबासा शहर के निचले क्षेत्रों जैसे गाड़ीखाना, मेरी टोला, सेन टोला सहित अन्य क्षेत्रों में जल जमाव हो जाता है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। दो दिनों से हो रही बारिश के कारण एक बार फिर स्थिति विकट हो गई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और तालाब जैसी स्थिति बन गई है। वहीं कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। गाड़ीखाना एरिया में जोड़ा तालाब का पानी घुस गया सबका घर में और कुछ कुछ घर भी गिर गया, बाउंड्री भी गिर गया और सारा पानी अनाज उनाज सब बह गया है। बहुत नुकसान हुआ है। ठेकेदार का द्वारा अधूरा नाली बनाया गया है जिसके कारण यह नुकसान हुआ है। हमारा घर दोनों रूम गिर गया है पूरा टोटली, और क्या बोलते हैं, खाना पीने का पूरा सामान गिर गया, ख़त्म हो गया। हमारा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जितना था, लंद फंड सब दबा हुआ है। हाल ही के दिनों में चैबासा नगर परिषद की ओर से मंगलाहाट के पास स्थित जोड़ा तालाब के पास से नाला का निर्माण कराया गया है, जिसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बारिश होने के कारण तालाब का पानी तेजी से नाले से बहना शुरू हुआ और फिर ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया। ऊपर से बारिश का पानी और नीचे से नाले का पानी घुसने से लोगों को दो तरफा परेशानी झेलनी पड़ी। मकान क्षतिग्रस्त होने के साथ ही घरों में रखा खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया। घर तालाब बन गए हैं। बारिश अभी भी जारी है। ऐसी हालत में समस्या और बढ़ने की संभावना है। नगर परिषद की ओर से इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिए जाने से लोगों में काफी नाराजगी भी है। पानी मत पिलाइए। आराम से। दिक्कत नुकसान हुआ, बहुत चीज नुकसान हो गया। चावल गेहूँ पूरा बहा गया, प्याज हुआ, सब सामान, राशन सामान सब। नली का पानी घुस गया घर के पाइप से, पूरा हम लोग परेशान है। पूरा पाइप पूरा घर घुस के पूरा एकदम हम लोग अभी साफ सुथरा कर रहे हैं। पूरा सामान पत्र हम लोग का नुकसान हो गया, पूरा बहा गया। पूरा ड्रेन का पानी आया ना, पूरा भर गया घर और सब, पूरा खराब जितना था सब ये हो गया, बर्बाद हो गया। पानी अंदर पूरा घुस गया, पलंग वलंग पूरा घूम गया, देखिए ना। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने मंगलवार को जांगीपुर घाटी में हुए सड़क दुर्घटना के मामले में घटनास्थल में पहुंचकर जांच की। इस दौरान राजीव सिंह ने पीड़ित परिजनों से उनके गांव मुंडासाई जाकर मुलाकात की और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने और तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की। उन्होंने प्राधिकार के माध्यम से विभिन्न सरकारी प्रावधानों के अनुरूप पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित भी किया। नए घर के लिए रुंगटा स्टील टीएमटी फाइनल किया है। टीएमटी तो कोई भी चलेगा, रुंगटा स्टील नहीं लगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चार पांच साल में सीलिंग वीक हो जाएगी, हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरी तुमसे लड़ाई हो जाएगी, तुम टेंशन में आ जाओगे, टेंशन में जुर्माना बंद कर दोगे। बच्चे तुम्हें अंकल बुलाएंगे, मुझे क्या बुलाएंगे, आंटी। रुंगटा स्टील टीएमटी लगाएंगे, फाउंडेशन सही तो फ्यूचर सही। रुंगटा स्टील टीएमटी बात। आज बहुत खुशी की बात है, मेरे पास गौरी जी और उदय जी पुनः आए और एक बहुत खुशी का संदेश मेरे को दिए कि आज 9 साल न्यूज टाइम्स का हो चुका है। देखते ही देखते समय पार हो गया। न्यूज टाइम में अपने संघर्ष के साथ, लोगों में जागरूकता लाने के साथ और पूरे चाईबासा और झारखंड को अपने साथ रखने के
रखने के साथ एक बहुत ही अच्छा काम किया। मैं तहे दिल से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, न्यूज़ टाइम्स को, और व्यक्तिगत रूप से मैं इन दोनों गौरी जी और उदय जी को तहे दिल से बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ टाइम्स दिन रात फलता फूलता रहे और अपना जो उनका कर्तव्य है उसका निर्वहन करे। इसके साथ ही मैं पुनः एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई, पूरे चाईबासा वासियों को, झारखंड वासियों को बहुत बधाई, धन्यवाद। न्यूज़ टाइम्स जो पिछले मतलब को लगता है 9 साल होने जा रहा है और समाज के बीच जो काम किया है वो धन्यवाद के पात्र है और हमारे पार्टी तरफ से ढेर सारा बधाई भी देते हैं हम लोग। न्यूज़ टाइम चाईबासा वो झारखंड बेस्ट संघर्ष मोर्चा की ओर से सर्वप्रथम उनकी 9वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी बधाई। और मैं देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से कि न्यूज़ टीम की पूरी टीम लगातार निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से चाईबासा के लोगों को एक अच्छा समाचार देने का काम कर रहे हैं। अब तो इनका एक ऐसा यूट्यूब में भी इनका समाचार आने लगा है पिछले कई वर्षों से, तो ये एक ग्लोबल न्यूज़ हो गया। जो चाईबासा के शहरी लोग तो इनके फ़ायदा उठाते हैं, अब पूरे झारखंड और पूरे विश्व के लोग इनको फ़ायदा बताते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि न्यूज़ टाइम की टीम समाचार संकलन करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं और न्यूज़ को भी इस तरह से बनाते हैं जो काफ़ी रोचक होता है, सुनने में आनंदमय लगता है, ऐसे लगता है कि कोई जानकारी प्राप्त कर रहा है और न्यूज़ की भी जानकारी हो जाती है। तो हम सभी न्यूज़ टीम के चाईबासा टीम को झारखंड बेस्ट संघर्ष मोर्चा से उनको बधाई देता हूँ और उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि न्यूज़ टाइम्स चैनल ने इस बार अपने 9 वर्ष पूरे किए हैं और काफ़ी सफलतापूर्वक। मैंने हमेशा से ये देखा है कि इस चैनल ने अपने कर्तव्य को पूरे सही ढंग से इसे इन्होंने अपना पूरा किया है। उनका जो अपना कर्तव्य बनता है ये अपने सही रूप से इसे पूर्ण करते हैं और इसका मुझे खुशी है और इसके लिए मैं इसके टीम को पूरे अपने मन से बधाई देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है न्यूज़ टाइम्स के नवा स्थापना दिवस पर आसरा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग ये चाहते हैं कि एक लोकल मीडिया होने के नाते आने वाले समय में भी प्रगति करें और यहाँ के जितने भी मूलभूत समस्याएं हैं निष्पक्ष और निडर होकर के जनता के सामने रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। न्यूज टाइम्स से परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इन्होंने 9 साल पूरा कर लिया है अपने मीडिया की भूमिका निभाते हुए और इस 9 साल में न्यूज टाइम्स ने जो अपने कार्य के द्वारा से प्रशंसा पाई है आम जनता के बीच, ये बहुत ही वाकई तारीफ़ योग्य है। इधर हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ जिसकी पल पल की जानकारी इन्होंने आम जनता को दिया, ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि रही है। इसके साथ ही साथ विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं सरकार की ओर से अथवा जनहित के कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से होता है या सरकार की ओर से होती है, तो सभी की जानकारी इन्होंने हमेशा समय पर दिया है। इसके लिए मैं इनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चाईबासा शहर वासियों को, पश्चिमी सिंहभूम को और भी समाचार के क्षेत्र में द्रुत गति से आगे बढ़ाने में ये सामर्थ्य हो पाएंगे और
यहाँ की विशेष करके पश्चिमी सिंहभूम की जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का इन्होंने जो पूर्व में किया है आगे भी और भी अच्छी तरह से सरकार के पास पहुँचाने का प्रयास करेंगे और आम जनता को समस्याओं से निजात दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मीडिया के क्षेत्र में न्यूज टाइम्स को पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बोलिए। मैं रमेश खिरवाल, मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा का शाखा अध्यक्ष। आज बहुत ही गर्व की बात है कि न्यूज टाइम्स अपना इस दौर में न्यूज चैनल को चलाते हुए 9 साल पूरा कर लिया, जो कि एक कठिन भरा सफ़र होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के समस्याएं आती हैं, हर तथ्यों को जांच कर न्यूज हम लोगों के बीच पहुंचाना, यह न्यूज टाइम 9 साल तक करके आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इन्होंने 9 साल अपनी सेवा शहर को दी और हमारे पश्चिम सिंहभूम जिले की पूरी खबर हम लोगों तक निरंतर निर्बाध रूप से पहुंचाते रहे। पूरी टीम को मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा की ओर से एवं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत ही खुशी की और गर्व की बात है कि न्यूज टाइम चाईबासा ने अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज के इस गला काट प्रतियोगिता में के दौर में अपने स्थानीय चैनल को समाज के बीच स्थापित करने के लिए एक लंबे संघर्ष और परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि 9 वर्षों में अपनी परीक्षाओं में न्यूज टाइम्स सफल हुआ है और इसी कारण है कि इसकी साख चाईबासा ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम सिंहभूम में एक बैठ चुकी है और यही इस चैनल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि न्यूज टाइम चाईबासा इसी तरह अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वाह करते हुए उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। 14 जुलाई को न्यूज टाइम्स का 9 साल पूरा होने जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को लोकल की जितनी भी खबरें हैं सब तुरंत जो है जानकारी मिल जाता है और इनका बहुत निस्वार्थ और बहुत अच्छी ये न्यूज का में जो इनको सेवा देना चाहिए ये बहुत ही तत्परता से ये सेवा दे रहे हैं। मैं इस न्यूज चैनल की सफलता की कामना करता हूँ। न्यूज टाइम्स के स्थापना दिवस पर चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। विगत 9 वर्षों से एन न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रह पाया है और इन 9 वर्षों में इनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम काफ़ी सराहा गया है। मैं चाईबासा चैम्बर की ओर से एक बार पुनः एन न्यूज टाइम्स को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। जिस तरह विगत 9 वर्षों में एन न्यूज टाइम्स द्वारा समाचारों का सत्यता एवं वास्तविकता के साथ साथ प्रसारण किया गया है, उसी तरह अपेक्षा रहेगी कि आने वाले समय में भी एन न्यूज झारखंड की जनता को इसी तरह समाचार प्रसारित करता है। न्यूज टाइम के 9 वर्ष पूरे होने पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई और एक निर्भीक पत्रकारिता करने के लिए भी पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अनेकानेक शुभकामना और बधाई देता है।
मुलानी प्रखंड के टुटुगुटु पंचायत के बिंगतोपांग गांव में कोल्हान समन्वय मंच की ओर से सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को विकास कार्यों में सहयोग करने और जन समस्याओं का समाधान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को जागरूक करते हुए महासभा के महासचिव गब्बर सिंह हेमरम ने कहा कि सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि से हड़िया की मांग न करें, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों से सड़क, विद्यालय, पुल पुलिया, पेयजल, बिजली और अस्पताल की मांग करें। गब्बर सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता की बैठक और कार्यक्रम होती है, कार्यक्रम के बाद जनता के द्वारा हड़िया के लिए पैसे की मांग की जाती है, यह समाज के लिए संकोच का विषय है, इस आदत को सुधारा जाए। कार्यक्रम के दौरान मानकी मुंडा व्यवस्था को सख्ती से अनुपालन करने और कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के नाम पर असंवैधानिक गतिविधियों में शामिल न होने के लिए ग्रामीणों को सचेत किया गया। खात्यानी रैतो के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी अंचलों में सोमवार को विशेष राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित शिविर में भूमि से जुड़े मामलों में दो पक्षों में मध्यस्थ स्थापित करते हुए मामलों का निपटारा किया गया। शिविर में अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, मानकी मुंडा, जनप्रतिनिधि और सीआई मौजूद थे। शिविर में भूमि से संबंधित मामले पेश किए गए, जिसका निपटारा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक बुधवार को दिन के 11 बजे से 1 बजे तक सभी प्रखंडों के थाना परिसर में किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।